मेरे स्कूल में 28 लड़के और 45 लड़कियाँ हैं, कुल 73 बच्चे हैं। और हमारा स्कूल जो है वो सड़क से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। सत्यो गांव में 2 आंगनबाड़ी भी हैं, एक फुल आंगनबाड़ी है जिसमें पार्वती देवी वहाँ की कार्य करती हैं और एक सहायिका है। इसके वहाँ पे मिनी आंगनबाड़ी भी है, क्योंकि हमारे गांव में बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए मिनी आंगनबाड़ी भी है जिसमें प्रेमा देवी वहाँ की सहायिका है। और वो जो सारे बच्चे हमारे यहाँ कक्षा 1 में भर्ती होते हैं तो वो आंगनबाड़ी से ही हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। हमारे गाँव में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो घर में बैठा है, सारे बच्चे लगभग 0 से 6 साल वाले तो आंगनबाड़ी जाते हैं और 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं वो सारे हमारे विद्यालयों में, हमारे विद्यालय में, और हमारे विद्यालय से पास होने के बाद कक्षा 5 पास करने के बाद फिर 6 में नीचे स्कूल जाते हैं। बच्चों के साथ तो सभी को अच्छा लगता है मेरे ख्याल से, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। मैं 1, 2 और 3 की क्लास को देखती हूँ तो मेरे साथ सभी छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को तो पहले सीधे पढ़ाने लिखाने पे जोर नहीं देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, पहले उनसे जैसे उनके घर के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, कितने लोग रहते हैं, कैसे रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, मतलब सारी बातचीत उनसे कर लेते हैं। उसके बाद फिर उनसे छोटी छोटी पोयम सिखाते हैं, इंग्लिश राइम्स भी सिखाते हैं और हिंदी की कविताएं भी छोटी छोटी सिखाते हैं। फिर बच्चे भी थोड़ा बच्चे हमसे घुल मिल जाते हैं बातचीत के द्वारा। उसके बाद हम लिखने पे उतना जोर नहीं देते हैं, बच्चा जैसी भी कॉपी में जैसी भी रेखाएं खींच रहा है, आड़ी टेढ़ी तिरछी, वैसे खींचने देते हैं उन्हें। उसके बाद जो फिर अक्षर ज्ञान पे जोर दिया जाता है, क्योंकि बच्चा एकदम से इतना वो नहीं होता है कि एकदम से सभी अक्षरों को बना सके, उनको सही आकार दे सके, ऐसे ही। और 2 कक्षाओं को साथ पढ़ाने का है तो ऐसा करते हैं कि 1 कक्षा को थोड़ा सा काम दे दिया, जो बड़ी कक्षा है उसको पहले काम दे दिया, क्योंकि छोटे बच्चों को तो सभी बच्चों को अलग अलग से मेरे ख्याल से पर्सनली देखना पड़ता है। तो बड़ी कक्षा को जैसे हम माना गणित का कोई गणित सब्जेक्ट है तो दोनों को हम गणित विषय पढ़ा रहे हैं तो बड़े बच्चों को थोड़ा सा काम दे देते हैं, एक बार उनको बता के उनको ब्लैक बोर्ड में या फिर कोई एक्टिविटी वर्क दे देते हैं, वो उसका को करते हैं, तब तक हम दूसरी क्लास को काम दे आते हैं। कक्षा 5 और 4 में पढ़ाती हूँ तो मैं ये प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा ये करती हूँ कि बच्चों को खुद लिखने का अभ्यास हो, कि जैसे कुछ हमने कोई भी टॉपिक दे दिया बच्चों को तो उसमें वो बच्चा खुद अपने मन से अगर भाव लिखता है तो वो ज़्यादा सही रहता है। उसमें मात्राओं की तो बहुत गलतियाँ होती हैं लेकिन हम मात्राओं की गलतियों को फिर धीरे धीरे उनका सुधार कर सकते हैं। उससे ये समझ में आता है कि किस बच्चे को कहाँ पर परेशानी होती है। जो बच्चा मात्राओं में ठीक से लिख लेता है तो हमें लगता है कि नहीं इसको आता है, कहाँ पर वो जो आधे अक्षर वाले शब्द होते हैं उनको कहाँ पर गलती कर रहा है, कहाँ मात्राओं की गलती कर रहा है, ये करने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उनको किताब पढ़ाने का जोर करते हैं, क्योंकि अगर उनको पढ़ना आ जाएगा, किताब पढ़ना आ जाएगा तो फिर लिखना तो आ ही जाएगा। तो बच्चों को लिखने के लिए हम जो कुछ भी जो देते हैं उसमें टॉपिक ये होते हैं कि जैसे उनके आसपास की चीज़ों को, उनको अपने गांव के बारे में कि तुम अपने गांव के बारे में लिख के लाना, उसमें तुम अपने दादाजी की भी सहायता ले सकते हो, अपने मम्मी पापा की सहायता ले सकते हो कि तुम्हारे गांव में कौन कौन से पेड़ हैं और कब कब उनमें फल आते हैं, कौन कौन सी फसलें होते हैं आप, ये भी देते हैं कि तुम स्कूल आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो तुम स्कूल, क्या अच्छा लगता है तुमको यहाँ पर स्कूल में, और स्कूल में जैसे बच्चे दिनचर्या लिखते हैं अपनी वो इसमें बॉक्स साइड में तो उसमें कि तुमने सुबह से क्या किया, सारे दिन भर का काम लिखना, स्कूल में हमने क्या पढ़ाया तुम्हें, तो उसके पीछे यही थोड़ी सा रहता है कि बच्चा एक तो अपने मन से लिखने की कोशिश करता है और दूसरा ये होता है कि उसमें थोड़ा शब्दों को ढूंढने का इधर से उधर से कि क्या शब्द होंगे, कैसे हम इसको बना पाएंगे। परसों मैंने ऐसे कहा कि बच्चों अगर तुमको यहाँ से मोड़ा जाना होगा तो किस में जाओगे, थोड़ा सोचना कि किस कैसे जाओगे, कैसे वहाँ पे कहाँ पे रहोगे, ऐसे करके तो बच्चों ने अच्छा लिखा था। जिस दिन जाना होगा उसे अगले उसके अगले दिन उसे अच्छे से पढ़ने रखेंगे, फिर का गोदाम में जाकर किसी से पूछेंगे वो हमें बताएगा कि ट्रेन कितने बजे जाने वाली है। अभिभावक पहले तो बिल्कुल सहायता नहीं करते थे,
जब हम शुरू शुरू में चार्ट बनवाए तो उसमें बच्चों का मतलब कहीं पर भी बच्चों ने कुछ लिखा, इतना छोटा छोटा सा लिखा रहता था कहीं पर, और कहीं पर अगर कुछ लिखा है तो किनारे में लिखा है, नाम जो है वो सटीक ढंग से ऐसे उसमें नहीं रहता था। तो फिर मैंने कहा कि बच्चों से देखो ऐसा है कि इसमें अब इस बार तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार इस पर पहले रूल खींचोगे और फिर बराबर लाइनें डालोगे, बराबर लाइनें डाल के फिर लिखोगे तो देखो सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर उन्होंने घर जाकर कहा होगा शायद कि मैडम ऐसा कह रही थी। तो फिर एक दो लोगों के जिनके भाई बहन सिक्स सेवन्थ में पढ़ते हैं तो उन बच्चों ने उनकी थोड़ी मदद करी थी, उसमें उन्होंने रूल खींच दिए थे बच्चों, क्योंकि इतना छोटा बच्चा रूल डालने में सीधी रूल हाथ से ही पढ़ती तो बच्चे से थोड़ा मुश्किल पड़ती है, तो रूल डाल दी थी बच्चों की। तो फिर जो इस लेकिन जो इस बार का चार्ट था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे माँ बाप ने उसमें बहुत उनको सहयोग करा था कि थोड़े चित्र भी अच्छे बने हुए थे। मैंने पूछा भी दो चारों से कि तुमने बनाया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा ने बना दिया मम्मी ने बना दिया, तो कहने लगे नहीं बनाया नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें मदद करी है उसमें बनाने की। तो अच्छा प्रयास लगा कि बच्चों के रुचि ले रहे हैं बच्चों की उसमें बनाने में। यह चमकीला काला पीला हरा लाल की होती है। चाची ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सारे, पलंग के नीचे जा रहे टीवी बिजली के डर के मारे। अम्मा दीदी को भी अम्मा दीदी आई दौड़ी शक्कर रख के झोला जल्दी जल्दी राशन के भी सभी लिफाफे फोड़े। लेकिन गांव के बच्चों को जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है वो स्कूल में आके ही प्राप्त होती है, तो एक ये भी बहुत बड़ी कमी है कि गांव में अभी इतनी फैसिलिटी नहीं हो पाई है कि मतलब इनको सारी सुख सुविधाएं यहीं पे मिल पाएं। आजकल यहाँ पे एक बाल अखबार शुरू किया है, बच्चों का अखबार है मधुरस नाम की, हम पत्रिका निकालते हैं उसमें। पहले तो क्या करते थे हम, जैसे अखबार की कटिंग लाते थे और बच्चों को एक पुराना चार्ट पेपर होता था तो छोटी छोटी जो कटिंग ला के उसी में चिपका देते थे, फिर बच्चों को उनको पढ़ने के लिए दे देते थे। तो फिर धीरे धीरे हमने कहा कि बच्चों, फिर पूछते थे बच्चों से कि कैसा लगा तुम्हें पढ़ के इसको, जैसे एक बच्चा एक दिन घर में पढ़ने के लिए ले जाता था तो उसको देख के फिर बच्चों को हुआ कि हम भी मतलब ऐसा कुछ करें, उनसे भी जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए लाते रहते थे, लेकिन वो खाली बस खाली सादे चार्ट पेपर में उसको चिपका देते थे, फिर बच्चे उसको पढ़ते थे। लेकिन आजकल हमने फिर उसी चीज़ को हमने सोचा कि एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जाए। उसमें हम बच्चों से कहते हैं कि जितनी भी तुमको छोटी छोटी भी अगर जानकारी मिल रही है या फिर कविता कहानी जिसको भी जो कुछ मिल रहा है वो लेके आओ। तो इससे बच्चा क्या करता है, उनको मतलब घर जाके वो सोचता है कि अरे हमारा नाम भी पेपर में आएगा, तो वो उनको खोजने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि अरे मैं कहानी, कोई सोचता है मैं कहानी ले आऊँ, कोई दो दो चीज़ें भी ले आता है। अब जिसकी ड्राइंग अच्छी है तो उसकी ड्राइंग वो ड्राइंग बना देता है। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे मतलब खोजने का, नई नई चीज़ें खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर वो बच्चे क्या करते हैं, उस पेपर को जब हमारी पत्रिका निकल जाती है तो हम एक एक कॉपी बच्चों को दे देते हैं, तो बच्चे उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, उससे पढ़ने की क्षमता का तो विकास होता ही है उनका। और साथ साथ जैसे जो बच्चे संकोची बच्चे होते हैं जो आगे नहीं आ पाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अरे इसका तो नाम पेपर में आया था तो मेरा नाम भी, अगर मैंने भी दिया होता तो मैं भी, मेरा नाम भी पेपर में आता, तो अगली बार हम उनसे कहते हैं कि तुम भी प्रयास करना। तो इससे क्या होता है कि बच्चे दूसरी बार सोचते हैं कि हम भी लेके आए नई नई चीज़ें, उनको वो भी लेके आते हैं फिर और बच्चे। तो संकोची बच्चे जो होते हैं उनका संकोच भी कहीं मेरे ख्याल से कहीं हद तक कम हो जाता है। वर्ष हमारे संकुल समन्वय टीम ने बजट चीज करवाया था तो वहाँ पे भी सपनों की उड़ान करके, तो उसमें भी अभिभावक लोग गए थे, तो वो अभिभावकों से कहा था कि आप लोग भी अपने बच्चों का, अपने बच्चों का भी देखिए और आप लोग भी अपना करिए। तो वो भी एक माँ बाप को विद्यालय लाने के लिए एक अच्छी पहल है, क्योंकि वैसे तो और दिन तो उनको आना संभव ही नहीं होता क्योंकि गांव में इतना काम रहता है, कभी खेती बाड़ी, यहाँ पे पानी की भी कमी है, पानी के लिए जाते हैं। तो उस मौके से हम लोगों को भी उनके साथ बैठने का मौका मिलता है और वो लोग भी अपने बच्चों का प्रोग्राम देखते हैं, तो उनमें एक अच्छी भावना आती है। उसी समय हम ये भी कह सकते हैं कि देखो लड़कियों को पढ़ाना भी ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कों को तो पढ़ाते ही हो आप लोग, तो लड़कियों को भी अपने विद्यालय अपने साथ भेजा करो स्कूल भेजा करो। और उनके माँ बाप से भी बार बार कहते हैं कि विद्यालय रोज भेजो, क्योंकि उसी बच्चे को पढ़ना नहीं आ पाता ना जो विद्यालय में आता है, तो उनको लिख के
चाहे उनके माँ बाप के घर जाके या फिर उनको किसी भी तरीके से उनको ये बताया जाता है कि अगर तुम विद्यालय भेजोगे तो तुम्हारे बच्चे को जरूर कुछ ना कुछ आएगा। और वो जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं या अच्छे का मतलब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे अच्छे होते हैं, हम किसी को अच्छा है बुरा नहीं कहते, लेकिन ये है कि जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उनको एक फ्लो आ जाता है पढ़ने का, तो उन बच्चों के साथ तभी प्रतिभा कर पाएंगे जब वो रोज स्कूल आएंगे। तो यही माँ बाप से भी कहना होता है और यही सारे बच्चों से हम रोज कहते हैं कि रोज विद्यालय आओगे तो ऐसा जरूर कुछ ना कुछ आ जाए।